भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे हीरे हैं जो गुर्बत के दिन देखने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्हीं में से एक नाम है इंडियन क्रिकेटर नाथू सिंह का। नाथू सिंह उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन रातों रात जिनकी किस्मत बदल गई। नाथू सिंह के पिता एक वायर फैक्ट्री में मजदूर हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किलों के साथ उन्हें बड़ा किया। उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए वो अपना घर तक बेचने को तैयार हो गए थे, लेकिन आईपीएल ने नाथू सिंह को करोड़पति बना दिया। पिता के स्ट्रगल को लेकर एक इंटरव्यू में नाथू ने कहा था, जब वो 16 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस वक्त उनके लिए महंगे शूज देना भी आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें 5,000 रुपए के जूते दिलाए थे। इसके बाद खर्चे बढ़ने पर नाथू के लिए ओवरटाइम करने लगे। नाथू के मुताबिक उन्हें घर भी चलाना होता था और मेरा भी खर्च। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, जो तू कर रहा है बस मन भर के कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे घर ही क्यों ना बेचना पड़े। पिछले साल आईपीएल नीलामी में 10 लाख की बेस प्राइस वाले नाथू को मुंबई इंडियंस ने 3,20,00,000 में खरीद लिया। इसके बाद गरीब घर का एक खिलाड़ी रातों रात स्टार बन गया। हालांकि पिछले सीजन में नाथू को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। इस साल गुजरात लायंस की टीम ने 10 लाख की बेस प्राइस वाले नाथू को 50 लाख में खरीदा। इस बार उन्हें 2 मैच खेलने के मौके मिले, जिसमें उन्होंने 1 विकेट भी लिया। आईपीएल में रातों रात किस्मत बदलने के बाद दिए एक इंटरव्यू में नाथू ने कहा था, वो इन पैसों से सबसे पहले अपना काम, पेरेंट्स और छोटे भाई के लिए बड़ा सा मकान बनाना चाहते हैं। उनका यह सपना अब पूरा हो रहा है। वो जयपुर में अपने माता पिता के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए में 3 मंजिला आलीशान मकान तैयार करवा रहे हैं। ये मकान उनके पुश्तैनी मकान को तोड़कर ही बनाया जा रहा है। मकान का काम पूरा होने के बाद जल्द ही पूरा परिवार वहां रहने चला जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।